गुड इवनिंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में हैंड सैनिटाइजर का बॉटल है। आप बोलेंगे, आप सोचेंगे कि हैंड सैनिटाइजर के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। हैंड सैनिटाइजर तो ऑलमोस्ट सबके सिटी में मिल ही जाता है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, तो डेफिनेशन देना चाहती हूँ। हैंड सैनिटाइजर तो मिल ही जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, रेट वाइज और कलर वाइज चूज करने लगे हैं आजकल। मैं देख रही हूँ कोई ब्लू कलर में हैंड सैनिटाइजर बेच रहा है, या कोई ग्रीन में, या कोई ट्रांसपेरेंट। आप देख सकते हैं मेरे पास जो हैंड सैनिटाइजर है, इसका कलर आप देख सकते हैं ब्राइट पिंक है। बट ये पिंक किसकी वजह से है? इसमें कोई केमिकल डला है क्या, या कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से कलर दिख रहा है? मार्केट में जो अवेलेबल आप देख सकते हैं सैनिटाइजर है, उसमें एक केमिकल मिक्स्ड है, इसके लिए उसका कलर थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिल जाता है। बट ये जो कलर नेचुरल है, और इसमें ये जो कलर आप देख सकते हैं, ये पिंक इसलिए है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसकी वजह से इसका कलर ब्राइट पिंक दिखाई दे रहा है। और ये स्किन पे अफेक्ट नहीं करता है, और कोई एलर्जी नहीं होती है। मैं देख रही हूँ कि आपको मार्केट में अवेलेबिलिटी है सैनिटाइजर की, उसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, और बेसिकली मतलब स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। किसी की स्किन जल रही है, या अजीब सी स्किन भी हो रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम इसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मैं ये यूज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि इस ये एक तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है हाथ में। आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से। देखिए, मैंने थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर लिया है, और इसको थोड़ा सा रब करेंगे। इसको ज़्यादा रब करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और फ्रैगनेंस लेस है ये। कोई कोई ये बोलता है कि इसमें ये फ्रैगनेंस है, वो फ्रैगनेंस की वजह से भी कोई परचेज करता है, लेकिन मैं इसको बोलूँगी कि आप बेस्ट है, आप ये सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। मैं कोई प्रमोशन वीडियो या किसी चीज़ का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। मेरे घर में बड़े से लेके छोटे से लेके सब लोग यही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल है जो सैनिटाइज़र, वो बच्चों को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनकी स्किन जो रहती है वो बहुत सेंसिटिव रहती है, तो हम उन लोगों को दे नहीं सकते बार बार। तो ये सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर मैं बता देती हूँ क्या क्या है। ये एक्स्ट्रा नेचुरल है, एल्कोहल बेस्ड है, और ये बहुत अच्छा है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके थ्रू मैं आप जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, उनको ये बताना चाहूँगी, आजकल कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, अपने बिजनेस में बोल सकते हैं, जॉब में बोल सकते हैं। ऐसे अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ये आप परचेस करते हैं, अब इंडस का ही आप परचेस करते हैं क्वांटिटी में मुझसे, तो मैं आपको इसमें मुनाफा भी करवा सकती हूँ, मुझे भी हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं उन्हें भी बताना चाहूँगी कि हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, या फिर कोई भी हो जो घर से बिजनेस करना चाहे, तो ये कर सकता है। इसमें आप क्वांटिटी में लेकर आप लेना चाहें, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसे लगा वीडियो मेरा। और एज अ पर्सन भी आप अगर करना चाहें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और आपको तो पता ही है, अब हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, और हमें भी लाइफ टाइम भी हमें ये यूज़ करना पड़े, बेस्ट टाइम करें ही यूज़, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं पता नहीं किस तरह का वायरस कब आ जाए, पता नहीं है। और हमारे बच्चे छोटे छोटे घर में रहते हैं, और बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत सही है, और हम लोगों के लिए भी बहुत सही है। मोस्टली तो क्या होता है, घर के जो मेल होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, वो ज़्यादातर बाहर जाते हैं, तो उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। और इसमें मेरे पास 100 ml का बॉटल है, 250 का बॉटल है, 500 का बॉटल है, और 5 L का भी अवेलेबल है, एंड 10 L का अवेलेबल है। और मैं जो मार्केट से जो भी लेके आती हूँ, जो भी चीज़ें लेके आती हूँ, सबसे पहले मैं इसी सैनिटाइजर से उसे सैनिटाइज करती हूँ, उसके बाद ही मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप इसे यूज़ कीजिए, और इसका इफेक्ट देखिए कैसा है, क्या है। मैं तो यूज़ कर रही हूँ, और मुझे बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय।